आखिर आईएमएक्स कैमरे में ऐसा क्या खास है कि इंडिया की अब तक सिर्फ पठान और ट्रिपल आर जैसी कुछ पिक्चरों को इससे शूट किया गया है, जबकि ज्यादातर पिक्चरों को आईएमएक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, जैसे कि धूम, थ्री ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और बैंग बैंग। इसका मेन रीजन है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैमरा नहीं है जिसे कोई भी खरीद सकता है। ये एक पेटेंट कंपनी है जिसके कैमरे को रेंट पर लेना पड़ता है, पर कैमरे के साथ साथ अलग से पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्म प्रोड्यूसिंग और साउंड डिजाइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लाना पड़ता है, ताकि वो आईएमएक्स के स्टैंडर्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, जिसमें अंदाज उन पैसा खर्चा होता है। पर एक बार को मान लो कि हमने पिक्चर को शूट भी कर लिया, तो इंडिया में केवल 22 आईएमएक्स थिएटर्स हैं, जिनमें ऑडियंस 2000 की टिकट लेकर तभी पिक्चर देखने जाती है, या तो फिल्म में कोई बड़ा डायरेक्टर हो या तो एक्टर हो, वरना कोई पिक्चर देखने नहीं जाता है, जो इसे इंडिया में एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस बना देता है। इफ यू गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस रीजन, फॉलो फॉर मोर।